मामले में यू टर्न लेगी भजन लाल की सरकार। गहलोत के मंत्री को फंसाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की भी बात पर दोबारा विचार करेगी सरकार? आखिर भजन लाल सरकार के मन में क्या? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राखी लांबर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब से मुखिया बने हैं वो राज्य की चिंता कम और कांग्रेस को कोसने का काम ज्यादा करते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने जितना भी प्रचार अब तक किया है, सरकार की उपलब्धियों की जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कमियां गिनवाई है और राजस्थान में गहलोत सरकार को पानी पी पी कर कोसा है। मकसद था कि कुछ भी करके जनता के दिल से गहलोत सरकार के कामों को मिटा दिया जाए। अब गहलोत के मंत्रियों को गिराने के लिए भी भजन लाल शर्मा सुप्रीम कोर्ट की बात पर दोबारा से विचार करेंगे। जी हां, गहलोत के करीबी मंत्री रहे शांति धारीवाल की मुश्किलों को भजन लाल फिर से बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार एक ऐसी चाल चलने वाली है जिससे गहलोत के भी होश उड़ जाएंगे। इस कदम से गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल भजन लाल ने एकल पट्टा मामले को नए सिरे से खोलने का फैसला किया है, जबकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही अपना जवाब भजन लाल शर्मा ने दाखिल करा दिया था और क्लीन चिट शांति धारीवाल को दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से इसे दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जवाब पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी बनाने का मन बना लिया है। यह मामला एकल पट्टा मामला है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जब सरकार ने जवाब दाखिल किया था तब कहा था कि इस केस में नियमों की पूरी तरीके से पालना हुई थी जिससे सरकार को किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार अपने ही जवाब पर पुनर्विचार करने का फैसला कर रही है। राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब पर दोबारा सुनवाई करेगी या फिर यूं कहे कि विचार विमर्श करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा को सहयोग करने के लिए गृह विभाग की ओर से अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई है जिसमें जेडीए और एसीबी के अधिकारी शामिल होंगे। इस मामले में राजेंद्र नैन के स्थान पर एसीबी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिश्ना राम को ओआईईसी ग्रुप में शामिल करने की जानकारी मिल रही है। दरअसल पूर्व में ओआईसी रहे एसीबी के अधिकारी ने शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट देने का जवाब पेश किया था जिसकी वजह से उन्हें एपीओ किया गया था। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आप भजन लाल सरकार की बौखलाहट देख लीजिए। बीजेपी सरकार ने एकल पट्टा मामले में गहलोत के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल समेत तमाम अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब सरकार अपने ही बात से पलटते हुए इस मामले में यूटर्न लेने के लिए तैयार है। अब आपको बता देते हैं कि पिछली बार जब भजन लाल शर्मा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था तो क्या कहा गया था। मामले में नियमों की पूरी पालना हुई थी जिससे सरकार को किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब भजन लाल सरकार ने अपने जवाबों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। भजन लाल शर्मा की सरकार के इस फैसले से शांति धारीवाल और गहलोत को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भजन लाल शर्मा गहलोत को फंसाने के लिए या उनके मंत्रियों को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो जवाब खुद भजन लाल शर्मा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, अब उसी जवाब पर एक बार फिर से विचार करने की कोशिश की जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।